हेलो एंड वेलकम टू प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट्स इंग्लिश क्लास। यह वीडियो एकेडमिक इंग्लिश मीन्स 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक की एक्सरसाइज फर्स्ट की प्रैक्टिस के लिए है। इस आइए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं बच्चों के साथ साथ। तो बच्चों, योर फर्स्ट पॉइंट ए इज फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स चूजिंग देम फ्रॉम दी ऑल्टरनेटिव्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं उनमें से आपको करेक्ट फॉर्म चूज करने हैं। आपको पता ही होगा दैट सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लुरल वर्ब। यूजुअली वन जो सिंगल होता है उसको हम सिंगुलर कहते हैं, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस आपके सामने ऐसी आ जाती हैं जिनमें आपके सामने वे सब्जेक्ट कभी प्लुरल हो जाते हैं और कभी सिंगुलर लगते हुए प्लुरल होते हैं, कभी प्लुरल लगते हुए सिंगुलर होते हैं। ऐसी डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करती है, तो वो सभी कंडीशंस इन एक्सरसाइजेस में मिलेंगे। आइए तो फर्स्ट सेंटेंस है इज मोहन एंड हिज सिस्टर। अब मोहन तो सिंगुलर है, हिज सिस्टर भी सिंगुलर है, लेकिन अब ये किस से एंड से जुड़े हुए, एंड से जुड़े होने के कारण ये मोहन एंड हिज सिस्टर दो हो गए। दो होने पर ये मोर देन वन हो गए, मोर देन वन होने पर ये प्लुरल हो गए। और जब कोई व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड दे टेक अ प्लुरल वर्ब। तो इस रूल को देखते हुए या फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर कौन सी वर्ब चाहिए, प्लुरल वर्ब चाहिए। तो मोहन एंड हिज सिस्टर रीड इन दिस स्कूल, ये हो जाएगा। तो रीड इज द राइट चॉइस फ्रॉम दिस। सेकंड सेंटेंस इज द राइटिंग ऑफ लेटर्स। द राइटिंग ऑफ लेटर्स एन आर्ट, ब्लैंक एन आर्ट ऑप्शन है हमारे पास, इज एंड आर या इज और आर। तो देखिए राइटिंग, राइटिंग क्या है, द राइटिंग, राइटिंग इज अ जेरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जेरंड फॉर्म जो होती है वो उसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं और सिंगुलर में काउंट करते हैं। तो इसलिए द राइटिंग ऑफ लेटर्स विल बी सिंगुलर एंड देयर फॉर इट विल टेक द वर्ब इज सिंगुलर वर्ब इट विल टेक एंड देयर फॉर इट विल बी द राइटिंग ऑफ लेटर्स इज एन आर्ट हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड सेंटेंस इज ही एंड आई ब्लैंक रीडिंग। तो वॉज आएगा और वर आएगा। तो यहाँ पर देखिए व्हेन टू प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट नंबर्स एंड डिफरेंट पर्सन्स आर यूज्ड दे टेक प्लुरल। तो डिफरेंट नंबर और डिफरेंट पर्सन के दो प्रोनाउन जब यूज किए जाते हैं और एंड से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब हमेशा प्लुरल होती है। तो इसलिए इसमें से कौन सा हम वर्ब यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। सो हो जाएगा ही एंड आई वर रीडिंग। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स ब्लैंक रीजन वन इज हैज और हैव। तो यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, द कॉस्ट है सब्जेक्ट। एंड इस तरह से कॉस्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स। तो यहाँ चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, एंड देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज रिजन हो जाएगा। तो इसलिए हैज विल कम विद रिजन। फिफ्थ सेंटेंस इज द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट। तो हमारे पास ऑप्शन है वॉज और वर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट तो हाउस है और उसके साथ विद ऑल इट्स कंटेंट, ये विद के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास रूल क्या होता है, जब विद से कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है तो जो वर्ब होती है द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट और द सब्जेक्ट दैट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस। तो सीइंग दिस रूल, इस रूल को देखते हुए द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट वॉज बंट हो जाएगा, ना कि वर बंट। तो वॉज बंट यानी कि जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज अ सिंगुलर एंड विद से जुड़ा होने पर दूसरे सब्जेक्ट को नहीं देखा जाता है, सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट को ही देखा जाता है। इसलिए यहाँ वॉज बंट हो जाएगा ना कि वर बंट। सो वॉज इज द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक ऑफ फिफ्थ सेंटेंस।
The Arabian Nights blank an exciting book. Then options are and is. तो हमारे पास आर और इज ऑप्शंस है, तो हमें यहाँ क्या यूज करना है? देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज द अरेबियन नाइट्स। तो वैसे तो नाइट्स को देखें तब तो ये प्लूरल लगता है हमको, बट इट इज द नेम ऑफ अ बुक। यहाँ देखिए एन एक्साइटिंग बुक मीन्स ये एक बुक है। तो जब किसी बुक का नाम कोई प्लूरल होता है तो उसके बाद भी वो क्या माना जाता है, उसको सिंगुलर टाइटल माना जाता है, और इसलिए उसके साथ जो वर्ब यूज होती है वह भी सिंगुलर ही यूज होती है। तो द अरेबियन नाइट्स के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, एंड सिंगुलर वर्ब इज, सो द अरेबियन नाइट्स इज एन एक्साइटिंग बुक। यह यहां पर इसका सही आंसर होगा। गोल्ड एज वेल एज सिल्वर, गोल्ड एज वेल एज सिल्वर। तो यहां भी देखिए गोल्ड यहाँ मटेरियल नाउन है एंड इसलिए यह सिंगुलर है, एज वेल एज सिल्वर इससे जुड़ा हुआ है। तो जब एज वेल एज से कोई दूसरा सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट से जुड़ा होता है तो उसका प्रभाव या उसका कोई भी इफेक्ट सब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है, एंड वर्ब केवल पहले सबसे पहले आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। सबसे पहले आया हुआ सब्जेक्ट यहाँ पर गोल्ड है, गोल्ड सिंगुलर है, तो इसलिए गोल्ड एज वेल एज सिल्वर के साथ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, और हैज और हैव में से सिंगुलर वर्ब हैज है इसलिए यहाँ हैज आ जाएगा। गोल्ड एज वेल एज सिल्वर हैज फॉलन इन प्राइस, दिस इज द सेवंथ सेंटेंस। एंड इसके बाद है देखिए आफ्टर द सेवंथ सेंटेंस विल टेक एट्थ सेंटेंस, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ये दोनों, तो इसके साथ इज और आर ऑप्शन दिया गया है। तो ब्रेड एंड बटर दोनों क्या है, इसके लिए रूल ये होता है कि अगर इफ टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाई एंड शो और इंडिकेट द ओन इंडिकेट टूवर्ड्स वन थिंग, तो वो दे टेक सिंगुलर वर्ब। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, सिंगुलर ही हैं, लेकिन वो एक चीज की ओर इशारा करते हैं तो उनको सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर माने जाने पर उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती। तो ब्रेड एंड बटर, यहाँ देखिए ये ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर के या फूड हो गए हैं, तो इसलिए चूंकि दोनों मिलकर के क्या हो गए, एक हो गए, यहाँ फूड हो गए, इसलिए ब्रेड एंड बटर को भी क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा, यहाँ इनको प्लूरल नहीं माना जाएगा। रूल तो यही है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए होते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है, यानी यहाँ पर प्लूरल वर्ब होना चाहिए। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है वह क्या है कि ये दोनों हैं तो दो, लेकिन आगे चल करके ये एक हो रहे हैं, फूड बन गए, यानी एक ही में आपस में एक दूसरे में मिल गए, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, सिंगुलर, इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा और सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। तो ब्रेड एंड बटर इज और आर में से हम क्या लेंगे, इज ए होलसम फूड, ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड ये यूज होगा। एंड तो इसका मतलब एट के लिए इज द राइट ऑप्शन। ईच ऑफ द गिल्टी पर्सन्स, तो यहाँ देखिए हमारे पास वर और वॉज दो ऑप्शंस है, एंड ईच ऑफ द गिल्टी पर्सन्स पनिश्ड मीन्स ब्लैंक पनिश्ड। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके सामने ईच एंड एवरी आ जाता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, उसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज होती है। इस दृष्टिकोण या रूल के लाइट में या इस नियम के प्रकाश में हमें भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमें भी यहाँ ईच चूंकि आ गया है तो ईच के कारण हमको यहाँ सिंगुलर वर्ब चाहिए, एंड वॉज और वर्ब में से सिंगुलर क्या है, वॉज है, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, वॉज पनिश्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ईच ऑफ द गिल्टी पर्सन्स वॉज पनिश्ड, यानी कि ईच ऑफ द गिल्टी पर्सन्स वॉज, वॉज ये जो है वॉज को हम सब्जेक्ट वॉज को हम चुनेंगे यहाँ पर एंड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वॉज पनिश्ड। टेंथ सेंटेंसेस मैनी अ मैन, मैनी अ मैन हमारे पास हैव और हैज है, तो इसमें से क्या यूज होगा, मैनी देखिए प्लुरल होता है, डाइड फॉर हिज कंट्री, तो इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए रूल ये है कि जब मैनी आता है और उसके साथ ए आता है, ए के बाद सिंगुलर
नाउन आता मैनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है. दिस इज द रूल. मैनी ए प्लस मैनी ए टेक्स अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. तो इस दृष्टि से मैनी ए मैन हैज डाइड हो जाएगा. हैव हैज में से हम क्या लेंगे, हैज लेंगे. तो इस तरह से मैनी अ मैन हैज डाइड फॉर हिज कंट्री हो जाएगा. 11. ऑल दी फर्नीचर इन दिस ऑफिस, ऑल दी फर्नीचर इन दिस ऑफिस ब्लैंक ऑफ अव पोअर क्वालिटी. वी हैव आर और वी हैव इज. हमारे पास आर और इज है, तो इसमें से क्या हम चूज करेंगे. तो यहाँ देखिए ऑल तो सिंगुलर के लिए भी आता है, प्लूरल के लिए भी आता है. तो इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट ऑल का मतलब किससे है, फर्नीचर से है. तो फर्नीचर हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसको हमेशा सिंगुलर वे में यूज किया जाता है. तो इसलिए ऑल को भी हम किस में ट्रीट करेंगे, सिंगुलर नाउन की तरह यूज करेंगे. और इसलिए ऑल द फर्नीचर इन दिस ऑफिस, यहाँ हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए. अब आर और इज में से सिंगुलर क्या है, इज है, तो इसलिए हो जाएगा इज ऑफ पोअर क्वालिटी. ऑल दी फर्नीचर इन दिस ऑफिस इज ऑफ पोअर क्वालिटी, ये हो जाएगा. 12th सेंटेंस इज द यूनाइटेड स्टेट्स. तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, ये दिस इज द नेम ऑफ अ कंट्री. एक कंट्री का नाम है. और जब कोई किसी कंट्री का नाम या किसी बुक का टाइटल या किसी अखबार या किसी ट्रेन का नाम, मतलब अगर कोई किसी का टाइटल या नेम है और वो प्लूरल ही क्यों ना हो, लेकिन उसको सिंगुलर के रूप में ही मान्यता दी जाती है. तो इस तरह द यूनाइटेड स्टेट्स ये क्या है, ये एक कंट्री का नेम है, इसलिए इसको सिंगुलर माना जाएगा. और उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाई जाएगी. तो हैज और हैव में से अब इनमें सिंगुलर क्या हैज है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग आर्मी. तो यूनाइटेड स्टेट्स सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ हैज का यूज किया जाएगा. तो द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग आर्मी हो जाएगा यहाँ पर. 13th सेंटेंस इज अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी. अब क्या है, ए लॉट ऑफ मनी क्या होता है, सिंगुलर होता है. अ लॉट ऑफ में ये देखा जाता है कि इनके बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होगी, अगर इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज होगी. तो इसलिए अ लॉट ऑफ मनी, मनी क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी. एंड वॉज और वर्ब में से सिंगुलर क्या है, वॉज है. तो इसलिए अ लॉट ऑफ मनी वॉज वेस्टेड हो जाएगा, अ लॉट ऑफ मनी वॉज वेस्टेड. 14th सेंटेंस, 10 miles, 10 miles ब्लैंक अ लॉन्ग वे टू वॉक. यहाँ पर देखिए अगर कोई सर्टन काउंटिंग है और वह किसी सर्टन नंबर की ओर इशारा करती है तो उसको सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है. तो 10 miles तो है, लेकिन वो क्या बन रहा है, लॉन्ग वे बन रहा है. तो एक निश्चित क्वांटिटी या एक निश्चित नंबर की ओर इशारा करता है, इसलिए 10 miles विल बी काउंटेड एज अ सिंगुलर नाउन. एंड इसलिए इसके साथ वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी. एंड इसलिए आर और इज में से सिंगुलर क्या है, इज है. तो 10 miles इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, इसके साथ यह वर्ब यूज हो जाएगी. मोस्ट ऑफ द वोटर्स, मोस्ट ऑफ द वोटर्स ब्लैंक इलिटरेट. तो मोस्ट क्या है, यहाँ देखिए हमने कहा था अ लॉट ऑफ के बाद में अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब. इसी तरह से यहाँ पे अगर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द विलेज होता तो यहाँ सिंगुलर वर्ब होती. मोस्ट ऑफ कोई ऐसे सिंगुलर नाउन होती यहाँ पर तो सिंगुलर वर्ब होती. लेकिन वोटर्स क्या है, प्लूरल वर्ब है. तो प्लूरल वर्ब होने के कारण यहाँ पर क्या, कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी. तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द वोटर्स आर इज, और आर में से प्लूरल वर्ब क्या है, आर है. तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द वोटर्स आर इलिटरेट, यह हो जाएगा यहाँ पर. अभी तो सेक्शन ए था, अब सेक्शन बी में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है बर्ड्स फ्लाइज. अब इसको करेक्ट करना है. तो देखिए बर्ड्स क्या है, बर्ड्स हमारा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन. और प्लूरल इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट यही है, बर्ड्स ही है. तो बर्ड्स जब प्लूरल है तो हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, यानी सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, हमको वर्ब भी प्लूरल
प्लुरल ही चाहिए। तो देखिए ये वर्ब कैसी है, वर्ब में FLY फ्लाई, फ्लाई में ES लगा हुआ है और इसलिए इसको IES बना, मतलब फ्लाईज यानी FLIES बना दिया गया है। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट तो प्लुरल है तो वर्ब भी हमको प्लुरल चाहिए होगी, इसलिए वर्ब को हमें क्या करना पड़ेगा, FLY करना पड़ेगा, यानी कि ES अगर हम हटा देंगे फ्लाई में से तो वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, और कोई भी वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में प्लुरल नंबर में होती है। तो इसलिए बर्ड्स फ्लाइज की जगह इसका जो करेक्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी, बर्ड्स फ्लाई हो जाएगा। एंड द सेम वे सेकंड सेंटेंस, डॉग्स इज बार्किंग। तो यहाँ जो इज फॉर्म है ये तो सिंगुलर है, लेकिन डॉग्स क्या है, डॉग्स प्लुरल है, डॉग प्लस डॉग प्लस डॉग को ही तो हम डॉग्स कहेंगे। तो इसलिए चूंकि डॉग्स प्लुरल है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, डॉग्स इज बार्किंग की जगह हो जाएगा डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स आर बार्किंग, क्योंकि डॉग्स प्लुरल है तो हमको वर्ब भी कैसे चाहिए, वर्ब भी हमको प्लुरल चाहिए, एंड इज का प्लुरल क्या होता है, आर होता है, तो इसलिए डॉग्स इज बार्किंग की जगह डॉग्स आर बार्किंग यहाँ पर हो जाएगा, एंड दैट विल बी द करेक्ट फॉर्म। इन द सेम वे थर्ड सेंटेंस, द चाइल्ड वीप। तो यहाँ चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमको यहाँ क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, और वीप क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। जब कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब की का नंबर क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा अपने प्लुरल नंबर में होती है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस और एस हमको जोड़ना पड़ेगा। तो एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड, इनके बाद अगर कोई भी लेटर आता है यूजली वर्ब के बाद में तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, तो उसमें एस जोड़ देते हैं। तो इसलिए द चाइल्ड वीप की जगह पर क्या हो जाएगा, इसको सिंगुलर बनाने के लिए वीप को सिंगुलर बनाएंगे तो इसमें एस जोड़ना पड़ेगा, तब ये वीप सिंगुलर होगा। हमेशा ध्यान रखिए नाउन और प्रोनाउन में एस और ई एस जोड़ने से नाउन प्रोनाउन प्लुरल हो जाते हैं, और वर्ब में एस और ई एस जोड़ने से वह सिंगुलर हो जाते हैं। तो द चाइल्ड वीप्स हो जाएगा तब ये सही हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, तो द चाइल्ड वीप्स इज द राइट आंसर। फोर्थ सेंटेंस, डार्कनेस प्रिवेल। डार्कनेस प्रिवेल, डार्कनेस क्या है, सिंगुलर है, तो हमें यहाँ भी क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, और सिंगुलर वर्ब के लिए इसमें एस जोड़ना पड़ेगा, तो तब ये सिंगुलर हो जाएगी। अभी प्रिवेल फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में कोई भी वर्ब अपने कौन से नंबर में होती है, प्लुरल में होती है, तो डार्कनेस प्रिवेल्स हो जाएगा, यानी कि प्रिवेल्स लिख देंगे तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नंबर फिफ्थ, फ्लावर्स इज ब्लूमिंग। तो यहाँ पर देखे इज क्या है, इज तो सिंगुलर है, लेकिन फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स तो प्लुरल है, सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर में फ्लावर होता है यानी एस नहीं आता है, एंड देयर फॉर इसको हमको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, चूंकि फ्लावर्स प्लुरल है तो वर्ब को भी हमें किस में लिखना होगा, प्लुरल नंबर में हमको लिखना चाहिए। इस तरह से फ्लावर्स इज को हम, इज का प्लुरल क्या होता है, आर होता है, तो हमें कहना चाहिए फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। अगर हम फ्लावर्स आर ब्लूमिंग कहेंगे तो देन इट विल बी द राइट। सिक्स्थ सेंटेंस, द सन राइज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर राइज क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस में होती है, प्लुरल नंबर में होती है, तो ये भी कौन से नंबर में है, प्लुरल नंबर में है, जबकि सन किस किस नंबर में है, सन का नंबर क्या है, सन सिंगुलर है, तो जब सन सिंगुलर है तो हमको यह कौन सा नंबर चाहिए, सिंगुलर नंबर चाहिए, तो सिंगुलर कैसे हो सकता है, इसमें हम एस जोड़ दें, तो इस तरह से द सन राइजेज इन द ईस्ट अगर हम कर दें तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, द सन राइजेज, यानी राइज में हमको एस जोड़ना पड़ेगा, यानी जोड़ देना चाहिए इसको सही करने के लिए। द फादर एंड सन वर्क्स इन द फील्ड। एक तरह से देखें तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं और वो एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं तो आर्टिकल केवल एक के साथ आता है, जो फादर के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब है ये फादर और ये सन एक ही व्यक्ति है, यानी किसी का फादर है और किसी का ये सन है। तो इस तरह से ये सेंटेंस सही है, द फादर एंड सन वर्क्स इन द फील्ड, इस तरह से ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर हम इसके साथ हिज सन लगा दें, द फादर एंड हिज सन, या द फादर एंड द सन, तो इसका मतलब ये दो व्यक्ति हो जाएंगे, द फादर एंड द सन अगर हम लिख दें तो ये दो व्यक्ति हो जाएंगे,
द फादर एंड हिज सन लिख दें तो भी ये दो व्यक्ति हो जाएंगे, यहाँ अगर हम हिज लगा दें, यानी ऐसा कोई हम संकेत कर दें जिसमें कि ये दो व्यक्ति अपने आप लगने लगे, तब इसके साथ क्या हो जाएगा, तब चूंकि प्लुरल हो जाएंगे और जब ये प्लुरल हो जाएंगे तब इसके साथ क्या होगा, वर्क्स में से एस हटा करके इसको भी प्लुरल बनाया जा सकता है और तब एक ये करेक्शन इसमें हो जाएगा, अदरवाइज मतलब तब एक दूसरी फॉर्म में ये सेंटेंस आ जाएगा, अदरवाइज द फादर एंड सन वर्क्स इन द फील्ड, ये सेंटेंस सही है। क्योंकि वैसे तो दो लग रहे हैं, दो हैं, प्लुरल लग रहा है, लेकिन फिर मैं बता दूं कि ये दो लगने के साथ साथ ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, एक ही व्यक्ति के होने की ओर इशारा कर रहा है, वही व्यक्ति फादर है और वही व्यक्ति किसी का सन है, आई एम ऑल्सो ए फादर एंड आई एम ऑल्सो ए सन, तो इस तरह से मैं एक ही व्यक्ति हूँ लेकिन दोनों भूमिकाओं में बैठा हुआ हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर द फादर एंड सन लिखेंगे तो इसका मतलब चूंकि आर्टिकल एक ही नाउन के साथ आ रहा है तो एक ही माना जाएगा, इसलिए द फादर एंड सन वर्क्स इन द फील्ड, ये ठीक है। और अगर हम सन के साथ कुछ पजेसिव केस लगा दें जैसे एंड हिज सन, द फादर एंड हिज सन, द फादर एंड द सन, इस तरह से लिख दें तो ये दो हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में इसमें से एस हटाकर इसको प्लुरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। ऑल दी स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट टुडे, तो यहाँ ऑल एक ऐसा मतलब प्रोनाउन है जो सिंगुलर के लिए भी यूज किया जाता है और प्लुरल के भी लिए भी यूज किया जाता है, तो इसमें यह देखा जाता है कि उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लुरल, तो ऑल के बाद आने वाला जो नाउन है वह प्लुरल है, तो इसका मतलब है कि ऑल को भी हम प्लुरल ही मानेंगे, या फिर ऐसे कहिए कि ऑल को हमने या एडजेक्टिव या डिटर्मिनर मान लिया और जब ये डिटर्मिनर हो गया तो फिर ये सही मतलब एक्चुअल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ही हो गया, और जब एक्चुअल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ही हो गया तो ये प्लुरल हो गया, तो प्लुरल के साथ हमको कौन सी वर्ब चाहिए, प्लुरल वर्ब चाहिए, तो अभी क्या है, इज है, इज क्या है, सिंगुलर है, इज का प्लुरल क्या होता है, आर होता है, तो इस तरह से ऑल दी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे ये हमको लिखना चाहिए, यानी इज को हटा करके हमें यह आर लिख देना चाहिए तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नाइन्थ सेंटेंस ही लव हिज फ्रेंड, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हमको वर्ब भी कैसे चाहिए, सिंगुलर चाहिए, लव कौन सी नंबर में है, चूंकि फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए अपने प्लुरल नंबर में है, तो इसको सिंगुलर नंबर में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर नंबर में बनाने के लिए इसमें हमको एस और ई एस ज्वाइन करना पड़ेगा, इसमें अगर हम एस और ई एस लगा दें तो ये सिंगुलर हो जाएगी, तो ही लव्स हिज फ्रेंड, हम यहाँ इसको कह सकते हैं ही लव्स हिज फ्रेंड, तो लव्स लिख देंगे तो ये सही हो जाएगी, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, ही लव्स हिज फ्रेंड विल बी द राइट सेंटेंस। टेंथ सेंटेंस यू एंड आई, अब यू एंड आई क्या है, डिफरेंट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, एंड से जुड़े हुए हैं तो ये अपने आप पे प्लुरल हो गए, और जब ये प्लुरल हो गए दोनों तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वह कौन से नंबर में होगी, वह भी प्लुरल नंबर में होगी, तो यहाँ जो लिखी है वो किस नंबर में, गो के साथ ई एस लगा हुआ है, यानी गोज, गोज मतलब सिंगुलर नंबर में लिखी हुई है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए यह अभी गलत है, इसमें से ई एस हटा दें तो ये वर्ब प्लुरल में हो जाएगी, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यू एंड आई गो टू स्कूल, ये सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा, यू एंड आई गो टू स्कूल। नाउ अलेवेंथ सेंटेंस, अलेवेंथ सेंटेंस आई रीड्स अ नोवल, तो यहाँ पर देखिए आई को हम ये रीड्स यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई को हम हमेशा प्लुरल मानते हैं, जब आई को प्लुरल मानते हैं तो इसके साथ जो आने वाली वर्ब है वह भी किस में होगी, वह भी प्लुरल नंबर में होगी, तो प्लुरल नंबर में होने के लिए क्या हो जाएगा, आई मतलब प्लुरल नंबर में करने के लिए उसके साथ उसको हमें एस और एस हटानी पड़ेगी क्योंकि हमको उसको फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो इसलिए आई के साथ रीड में एस नहीं आएगा और एस हटा देंगे तो ये वर्ब प्लुरल नंबर में हो जाएगी, इस तरह से आई रीड अ नोवल ये इसका मीन सेंटेंस हो जाएगा और यही इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। ट्वेल्थ सेंटेंसेस यू हैज अ न्यू पेन, तो चूंकि यू सेकंड पर्सन है और इसको सिंगुलर भी यू होता है और प्लुरल भी होता है, लेकिन दोनों ही केस में इसके साथ प्लुरल वर्ब हैव यूज की जाती है, मतलब हैज हैव में से यूज करेंगे तो हैव यूज करेंगे, तो इसलिए यू के साथ हैव आएगा यहाँ, यू हैव अ न्यू पेन, ये लगभग सभी बच्चों को पता होता है, इसमें कोई
बहुत ज्यादा। तो 12th सेंटेंस में यू हैव आएगा, ये बात तो हो ही गई। एंड इसके बाद थर्ड सी पॉइंट इज, और सी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी इज, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो जो ब्रैकेट में, इनमें से करेक्ट फॉर्म हमें इसमें यहाँ फिल करना है। तो हिज टीथ ब्लैंक डर्टी, तो टीथ क्या होता है, टीथ प्लूरल होता है, एंड प्लूरल के साथ, में हमको यहाँ प्लूरल वर्ब चाहिए होती है, एंड इसलिए हिज हम टीथ के साथ क्या कहेंगे, प्लूरल वर्ब यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हिज टीथ आर डर्टी। सेकेंड सेंटेंस इज, वेयर ब्लैंक 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 ऑल दीज मैन गोइंग, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, आर है और इज है। तो हमें यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो दीज मैन है, दीज मैन तो प्लूरल हो गया, तो इसलिए हमें कौन सी वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो प्लूरल वर्ब के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो वेयर आर ऑल दीज मैन गोइंग, ये सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस इज हुज बुक्स, तो बुक्स क्या है, बुक्स प्लूरल नाउन है, तो ब्लैंक के बाद दीज, दीज के बाद हमको यहाँ इज और आर में से कोई एक वर्ब चुनना है। तो हुज बुक्स, तो बुक्स चूंकि प्लूरल है, तो हमें इसमें से कौन सी वर्ब चुनना है, प्लूरल वर्ब ही चुनना है। तो प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। इस तरह से हुज बुक्स आर दीज यह हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस इज ऑल हिज शीप, ऑल हिज शीप ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ऑल हिज शीप, शीप क्या है, यस मतलब शीप सिंगुलर में भी यही फॉर्म होती है और प्लूरल में भी यही फॉर्म होती है, और हम यहाँ ऑल लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हमें कौन सी वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल हिज शीप आर ग्रेजिंग, या हो जाएगा ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिफ्थ पॉइंट इज, डू यू नो हु दिस जेंटलमैन, तो जेंटलमैन क्या है, ये मतलब डू यू नो हु दिस जेंटलमैन, तो डू यू, यू के साथ तो यहाँ डू आ गया, लेकिन अब हमें जो वर्ब चाहिए यहाँ वो किसके लिए चाहिए, जेंटलमैन के लिए चाहिए। जेंटलमैन क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो ये अब सिंगुलर है, जब जेंटलमैन सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी कैसे चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो इज और आर में से सिंगुलर क्या है, इज है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हु दिस जेंटलमैन इज, यानी सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आ जाएगी। सिक्स्थ सेंटेंस इज माई पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, मदर प्लस फादर दोनों को मिलकर के पेरेंट्स कहते हैं, तो इसलिए ये प्लूरल नाउन होता है, और प्लूरल के साथ हमको वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो माई पेरेंट्स हियर यस्टरडे, अब ये वॉज और वर दो हमारे पास ऑप्शन है, तो चूंकि पेरेंट्स प्लूरल होता है, तो हमको कौन सा ऑप्शन चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो वॉज और वर में से प्लूरल क्या है, वर है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, माई पेरेंट्स वर हियर यस्टरडे, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, माई पेरेंट्स वर हियर यस्टरडे। सेवंथ सेंटेंस इज माई वर्क ब्लैंक बीन फिनिश्ड, तो वर्क क्या है यहाँ, चूंकि सब्जेक्ट तो वर्क ही होगा, तो वर्क क्या है, सिंगुलर सिंगुलर नाउन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमको इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं सामने, वे हैज और हैव दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शंस में से मतलब हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है इसमें से, हैज और हैव, तो हैज सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड, माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। एट्थ सेंटेंस इज ऑल माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ हमें वर्ब कौन सी चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो हैज और हैव में से प्लूरल वर्ब कौन सी हैव है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉन, ये इसका हो जाएगा। तो ये आपकी थी एकेडमिक इंग्लिश की फर्स्ट एक्सरसाइज थी, ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की, इस वीडियो में एक ही एक्सरसाइज हो पाएगी, एंड दूसरे एक्सरसाइज के लिए हम दूसरा वीडियो लेकर आपके आपके लिए जल्दी से ही आएंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करें और इनमें जो रूल्स आए हैं उनको जल्दी से लर्न करें। थैंक यू एंड बाय बाय।